तो गाइस कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खरीय से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज जो है ना मेरी तबीयत 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मैं मतलब काफ़ी हद तक बीमार हूँ। आज आप देख सकते हैं ड्रिप लगी हुई है मुझे अपने दुकान पर। तो मेरा सबको यही है, रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो को तो कम अज़ कम लाइक कर दें कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो ख़राब होने की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी है मुझे भी। मेरी पूरे भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे चाहने वाले हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट इतनी सी है कि मेरे हक में दुआ करें मैं जल्दी से जल्दी बेटर हो जाऊं और जल्दी से जल्दी जो है अपना काम जो है दोबारा से स्टार्ट कर सकूँ। सुबह मैं जब डॉक्टर के पास गई हूँ तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना डॉक्टर ने भी मुझे बताया कि आप परहेज नहीं करती उस चीज़ से, आप मतलब तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाती हैं। तो बात की हक सच की है कि मैं तली हुई चीज़ ज़्यादा लाइक करती हूँ। तो आज जो है मैं अपने फ्रेंड से इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को पहले नंबर पे लाइक करें, शेयर करें, कम अज़ कम 1000 के करीब होनी चाहिए कि तबीयत भी ख़राब है बहुत ज़्यादा और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान भी हूँ। अच्छा गाइस, तबीयत के मैटर में मैं आपको बताना चाहती हूँ आप सबको। मेरा एक ब्लॉग था जो मैंने बाग आप लोगों को दिखाया था, बाग का ब्लॉग था मेरा। तो हम वहाँ पे गए हैं शूटिंग के दौरान। तो मुझे अच्छी लगती है हर चीज़ के मतलब लगा लें, अमरूद लगा लें, किन्नू लगा लें, इस तरह का सिस्टम होता है। बट मुझे नहीं पता था कि इसके ऊपर स्प्रे वगैरह हुआ हुआ है, उसकी वजह से जो है ना मैंने एक अमरूद तोड़ा। एक टीम मेंबर ही था मेरा, उसे भी नहीं पता था, उसने भी खाया लेकिन उसकी तबीयत पहले से बेटर है। तबीयत उसकी भी ख़राब हो गई थी, मेरी भी तबीयत ख़राब होने का रीज़न यही है कि नहीं पता था कि इसके ऊपर स्प्रे उन्होंने किया हुआ है। बाद में पता चला जब हम खा चुके थे तो बाद में हमें पता चला कि इसके ऊपर स्प्रे हुआ हुआ है। तो कहना मैं इतना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ है, कोई भी बट एवर कोई भी चीज़ है, उसे सबसे पहले वो चाहे फ्रूट में से हो या वो वैसे हो, तो उसे इतना ही किया करें आप। थोड़ी सी मेहनत है ना, थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें कि उसे अच्छी तरह वॉश कर लें पानी के साथ, तो उसके बाद उसे अच्छे तरीके से खाएं। क्योंकि जिस तरह मैंने अब बेवकूफ़ी की है कि यानी कि मुझे नहीं पता था फिर भी मैंने खा ली अमरूद। अमरूद जब मैंने खाया तो मुझे एक दिन तो मुझे कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन मुझे ऐसा हुआ है कि चक्कर से आने लग गए अजीब से और गले में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। आज डॉक्टर ने भी मुझे बताया है कि तुम्हारा गला जो अंदर से है ना बुरी तरह से पक चुका है, यानी कि लगा ले कि ख़राब हो गया है अंदर से ना, खड्डी सी पड़ती है और ज़ख्मी अंदर से जो है ना, ये चीज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर ज़ख्म से हो गए हैं। कहना मैं इतना चाहूँगी कि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी जो वीडियो है उसे बनाने का मकसद आज इतना सा है कि मैं अपने दोस्तों को दिखा सकूँ, अपने दोस्तों को बता सकूँ कि मेरी तबीयत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि ड्रिप लगवाएं आप, आपकी तबीयत जो है पहले से बेटर हो जाएगी। उन्होंने भी कहता मेरा मुकम्मल तौर पर चेकअप किया है और उसके दौरान उन्होंने मुझे पहले छोटी ड्रिप लगाई है, ड्रिप के वो तकरीबन 5 मिनट की थी, उसके बाद उन्होंने मुझे ये ड्रिप लगाई है। अभी मैं ऐसे बैठी हूँ जैसे मुर्दा उठ के बैठा हो कब्र से। तो कसम से मुझे इस तरह की जलाल से बड़ी नफरत होती है। मैं मरती मर जाऊँ तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि यार मैं डॉक्टर के पास जाऊँ या अपना चेकअप करवाऊँ। क्यों, मुझे सबसे बड़ी एलर्जी है इंजेक्शन से। ये जो सुइयाँ लगी हुई हैं ना, आप ये देख रहे हैं, कसम से 1/2 किलो तो मेरा खून निकल गया है। मुझे तो एक कतरा जो है वो निकले तो मैं किसी का देख लूँ तो मेरा बीपी लो हो जाता है देख के। बट आज जो है ना मुझे एहसास हुआ है इस बात का कि अपना खून जो है, अपना खून निकलते हुए बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बट मैं पहले भी नहीं करती, खून से मुझे बड़ी एलर्जी है, खून से मुझे बड़ी सख्त जो है ना तबीयत जो है मेरी वो अजीब तरह की हो जाती है। बट दुआ करना मेरे हक में, दुआ करना मेरे हक में, दुआ करना, दुआ करना, दुआ करना, जितने भी मेरे चाहने वाले
जितने भी मेरे प्यारे फ्रेंड्स हैं उनके लिए ये रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ करना कि मैं जल्दी से जल्दी बेटर हो जाऊँ। अगर आपको अपनी मलक नादिया की वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपने करना है, और मैं किसको कहूँ। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।